गुलाम सरवर के बयान से मुल्की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। वजीरे हवाबाजी खुद इस्तीफा दें, इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह ने मुतालबा कर दिया। बोली पीपल्स पार्टी समझती है असद कैसर मुतनाजे हो चुके हैं। कल असद कैसर कंटेनर पर सवार कारकुन दिखाई दे रहे थे। वक्त आने पर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। उजैर बलोच ने धरनों और इलेक्शन में पीटीआई का साथ दिया। जेआईटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हमारा फिर से ये मुतालबा है कि वजीर हवाबाजी फिल फॉर खुद अगर अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं तो खुद रिजाइन करें, और हम ये डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये गद्दारी है, गद्दारी के सिवा कम नहीं है। जो बैरूनी मुल्क एटीएम्स हैं, जो इधर एटीएम्स हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया है कि मुल्क के इदारों को औने पौने दामों पर ये बेच के खुद ही खरीद लें। जेआईटीज की कोई कानूनी उसकी कंटेंट की कोई कानूनी हैसियत या वो फाइनल रिपोर्ट्स नहीं है। जिस उजैर बलोच का उन्होंने नाम लिया, उसी उजैर बलोच ने इनको धरनों में मदद की, उसी उजैर बलोच ने पीटीआई का इलेक्शंस में साथ दिया, 2013 में दिया, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी उन्होंने उनका साथ दिया।